तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आर न्यू वीडियो। तो अरे अरे आज हम रुकिए, लोग, पीछे जो बैठा हुआ उसको हटा दीजिए, थोड़ा साफ बैकग्राउंड आएगा। अरे यार ये पीछे कौन कौन बैठ जाता है, वो तो हटाते हैं इसको। अरे ये तो गुप्ता जी है। ओ गुप्ता जी कैसे हैं बाबू, क्या हाल चाल? एक नंबर। कैसे हैं? एक नंबर एक नंबर। और बताइए। और बोल रहे आपका नया वीडियो नहीं आ रहा है जी। क्या कीजिएगा, एग्जाम उग्जाम क्या जन पे करते हैं, बड़ी प्रेशर रहता है। बड़ी दिन से रोक ले हम भी वीडियो जी, बहुत बहुत दिक्कत है भैया। अच्छा नया वीडियो आप कब डाल रहे हैं, कुछ सोचे हैं? अरे कुछ कंटेंट वंटेंट बताइए क्या, तब ना कुछ है कंटेंट तो बताइए। कंटेंट? हाँ अजी देख रहे पीछे बिल्डिंग हुआ, हॉस्टल नंबर 26, इसी का टूर करवा दीजिए सबको। अरे मर देते हैं तो भुलाइए गए थे वो। हाँ इसी करवा दीजिए। अरे अरे कच्चा बना सकता लीजिएगा का? अरे नहीं, अरे चलिए तो बना कर। अरे पूरा आइए मनाया जाए पूरा एकदम। हाँ हाँ चलिए करो। अरे खाई हाँ बड़ा इसे थोड़ा कम खा कीजिए, पता है क्या है, किडनी में हार्ट अटैक हो जाता है लोगों को। अरे यहाँ बॉडी बोल दिए है, बॉडी बिल्डर भुला गए क्या? अरे मनाया जाए, देखिए क्या जूता यूज किया है, लग रहा है नंबर एक नंबर एक नंबर नंबर। स्वागत है मेरे इस नए वीडियो में। ये वीडियो में मैं बताने वाला हूँ हॉस्टल नंबर 26 के बारे में गाइस, जो कि सीनियर लोग का हॉस्टल है। बहुत सारे जूनियर लोग इस तरह से एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि वो सीनियर के हॉस्टल को जांच करें, पड़ताल करें, कैसा उन लोग रहते हैं, सारा चीज हम लोग दिखाएंगे। रूम के बारे में बताएंगे, कैंटीन के बारे में बताएंगे, मेस के बारे में बताएंगे, पूरा हॉस्टल 26 घुमाएंगे, टेरेस घुमाएंगे, सारा चीज करेंगे गाइस। चलिए आपको मिलाते हैं हमारे हॉस्टल नंबर 26 से। मेरा नाम है अमरजीत कुमार, आप देख रहे गुप्ता जी के बकैती। चलिए शुरू करते हैं हॉस्टल नंबर 26 को दिखाते हुए। उधर एडमिन बिल्डिंग है और एडमिन बिल्डिंग से आते हुए ही इधर रास्ते में पड़ता है हमारा हॉस्टल नंबर 26, जो कि बहुत प्यारा नया हॉस्टल है। चलते हैं, ये है मेन गेट यहाँ का, ऐसे बोल सकते हैं, जहाँ पे आप देख सकते हैं स्टार्टिंग में आपको मिलता है एक मस्त सा प्लेग्राउंड। देख सकते हैं दोनों तरफ, आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा स्पेस मिला है ताकि बच्चे खुल के यहाँ पे खेल सके कूद सके। और हॉस्टल्स के कंपेयर किया जाए, आप देख सकते हैं उधर और भी हॉस्टल्स हैं, तो उनके कंपैरिजन में ये काफ़ी बेहतर है क्योंकि काफ़ी रिसेंटली में ये बना हुआ है और काफ़ी अच्छी तरीके से बना हुआ है। हॉस्टल जो है काफ़ी पुराने हैं, ये नए तौर तरीके से बना हुआ पूरा हॉस्टल है। पूरा इनसाइड आपको दिखाएंगे और कोशिश करेंगे हर एक चीज़ को आपको डिटेल में बताने की। चलिए ये देख सकते हैं हॉस्टल नंबर 26 में एंटर करते हैं। पूरा हवेली आप देख सकते हैं, हवेली टाइप से दिखता है एकदम रात को। और ये है एंट्रेंस, यहाँ पे अंदर घुसते हैं तो यहाँ पे दो रास्ते हमें मिलते हैं, एक लेफ्ट साइड से आप जा सकते हैं एंड देन आप राइट साइड के तरफ से जा सकते हैं। ओके गाइस, सो एक बेसिक हॉस्टल में जो होता है, यहाँ पे घुसने के बाद आपको दो एंट्रेंस मिलता है, एक लेफ्ट साइड से एक राइट साइड से। एंड सबसे पहले आपको यहाँ पे नोटिस बोर्ड मिल जाता है जैसे आप घुसते हैं, और यहाँ पे एक टेबल है जिस पे रोज न्यूज़पेपर लगा होता है जिसको आप रीड कर सकते हैं। गाइस सो ये है हमारा आंगन, जैसा कि आप देख सकते हैं काफी ज्यादा बड़ा है और यहाँ पे लगभग 5 ब्रांच रहते हैं और काफ़ी ज़्यादा बड़ा आप देख सकते हैं, इसीलिए हम लोग इसको हवेली हवेली बोलते हैं। रात को काफ़ी ज़्यादा डरावना भी लगता है। आप वहाँ पे देख सकते हैं अभी जैसे बैडमिंटन का यहाँ पे क्या बोलते हैं चल रहा है, इधर यहाँ पे क्या बोलते हैं वॉलीबॉल भी खेलता है सब, कबड्डी भी खेलता है, काफ़ी सारे स्पोर्ट्स यहाँ पे होते हैं। आपको दिखाते हैं यहाँ का मेस, काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। ओके गाइस सो ये है हमारा मेस, आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ा है, जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ 5 ब्रांच का खाना बनता है गाइस, तो ये लाजमी सी बात है कि ये थोड़ा बड़ा ही होगा। और ऐसे दो सेक्शन में डिवाइडेड, यहाँ पे दो मेस चलता है, आधा लोग उधर खाते हैं और आधा लोग इधर खाते हैं। तो इसमें बात की जाए तो खाना हम लोगों की तरफ ज़्यादा बढ़िया मिलता है उस तरफ, अपना ही वाला बेस्ट है, ठीक है ना। तो काफ़ी लोग यहाँ पे आते हैं और एक साथ जब बैठ के खाते हैं तो काफ़ी मज़ा आता है, क्योंकि जब पूरा भीड़ लगता है जब खाने के लिए तो देखने लायक होता है क्योंकि एक साथ इतना भीड़ उमड़ता है। अच्छा स्टार्टिंग बात करें तो काफ़ी ज़्यादा हम लोग डर रहे थे कि 5-5 ब्रांच का खाना बनाना पड़ता होगा मेस वालों को, तो खाने का टेस्ट काफ़ी ख़राब होगा, ऐसा हम लोग स्टार्टिंग में सोच के आए थे जो नॉर्मल बिहेवियर है। लेकिन यहाँ पे जनरली बताएं मेस जो डिवाइड किया हुआ है तो उससे एक चीज़ इन लोगों को कंफर्ट मिल गया कि लोग काफ़ी अच्छे खाना बनाते हैं। जनरली बता रहे हैं खाना बहुत अच्छा है, घर जैसे ही लोग खाना बनाते हैं, तो ऐसा कोई भी रूमर फैलाता है कि क्या बोलते हैं हॉस्टल्स के सीनियर हॉस्टल्स में खाना खराब मिलता है, ये सब फेक है, ठीक है। जनरली बताएं तो खाना बहुत टेस्टी होता है, एक नंबर, मजे से खाओ, ठीक है। और अभी तो खाना बना नहीं तो कर क्या रहे हम लोग यहाँ, चलो टेरेस घुमाते हैं। खाना का तैयारी हो रहा है, अभी खाना बनने का तैयारी हो रहा है। इधर जब हम पहली बार आए थे ना तो
एकदम भुलभुलैया लग रहा था, स्टार्टिंग में पता ही नहीं चल रहा था कि अपना रूम कौन सा है, ठीक है ना। और काफी ज्यादा बैंड बजाओ पड़ा था, लेकिन क्या बात है अब कैसे कैसे करके अब आइडेंटिफाई कर लिए हैं। तो हम लोग को जाना टेरेस पे, तो दो तल्ला ऊपर में जाना पड़ेगा क्योंकि सेकंड फ्लोर के ऊपर में होगा। तो चलते हैं फटाफट से, ओह पहुंचने वाले हैं। तो ऊपर से आप देखोगे तब पता चलेगा कि इस हॉस्टल का खूबसूरती क्या है। देखो गाइस, इधर से एंट्रेंस गेट है, ठीक है ना, इधर से अभी हम लोग अंदर आए थे। और ऐसे अंदर आओगे तो अभी जिस अंगना की हम लोग बात कर रहे थे, जिसमें लोग खेल रहे थे, वो देखो डायरेक्टली यहाँ से दिखता है। ये देखो इतना बड़ा आंगना है, समझे, ये देखो इतना बड़ा आंगना हमारे बीच में दिया हुआ है, जो कि काफ़ी बड़ा है। तो हम लोग उधर से जैसे बाहर, वहाँ से बाहर से इधर अंदर में आए, फिर उधर से डायरेक्टली इधर चले गए और मेस में घुस गए। तो दो में से एक इधर में है और एक इधर में है, जैसे कि मैंने बताया। और छत पे आने के दो रास्ते हैं, एक इधर से भी आ सकते हैं और एक इधर रास्ता है। तो दो केस हैं, तो मैं चारों तरफ से एक बार उधर जाके, एक बार इधर जाके और एक बार इधर जाके चारों तरफ से दिखाता हूँ कि क्या क्या आप देख सकते हो। सबसे पहले इधर, सो फ्रॉम द वेरी फर्स्ट साइड आप देख सकते हैं ये पूरा का पूरा उधर से जूनियर हॉस्टल जो है वो सब आपको पूरी तरह से दिखेगा। देख सकते हैं क्या लुक आता है यहाँ छत पर से, अभी सूर्य भी काफ़ी मज़ेदार दिख रहा है। तो फर्स्ट लुक है ये कि उधर से जूनियर लोग का हॉस्टल वगैरह दिखता है, जूनियर लोग आते जाते आपको दिख जाएंगे। कमिंग टू द नेक्स्ट साइड ऑफ द छत टेरेस, ये देखो वहाँ पे देखो अभी फुटबॉल हो रहा है, तो आप यहाँ से फुटबॉल का भी मज़ा ले सकते हो, यहाँ से क्रिकेट का भी मज़ा ले सकते हो। आराम से यहाँ पे बैठ जाओ, यहीं पे बैठ जाओ, आराम से पूरा एकदम फुटबॉल देखते रहो, बहुत मस्त है, वहाँ पूरा सीजी दिखता है, समझे। और इधर मस्त ग्रीनरी इनका भी नज़ारा आप ले सकते हैं। इधर चलते हैं गाइस, ओके, सो हियर वी आर एट द अनदर साइड ऑफ आवर टेरेस, जहाँ से आपको अगेन ये पूरा सीजी दिखेगा और ये पूरा का पूरा आप देख सकते हैं ग्रीनरी दिखेगा। तू इधर क्या कर रहा है बे? मूविंग टू द नेक्स्ट सेगमेंट ऑफ आवर टेरेस, आप इधर से देख सकते हैं अगेन पूरा का पूरा ये पीछे का है पूरा सीन, जो कि हमारा छोटा टेरेस भी आपको दिख जाएगा। यहाँ पे एक छोटा टेरेस भी है, तो इस टेरेस का भी हम लोग पूरा देख सकते हैं, इस तरह का लुक आता है। और इसी से पूरा मेस कनेक्टेड है, देख सकते हैं मेस को पानी उसी टंकी से मिलता है। अभी लोग कपड़ा पसार रहा है वहाँ पर, देख सकते हैं बॉयज़ हॉस्टल है, जेन्युइन है। अदर साइड ऑफ आवर टेरेस देख सकते हो, और सारे हॉस्टल्स दिखते हैं सेकेंड ईयर के, ये आप देख सकते हैं, ये देख सकते हो अभी वॉलीबॉल इधर चल रहा है और उधर में अभी बैडमिंटन चल रहा है। सो इस तरह के स्पोर्ट्स एक्टिविटीज यहाँ होते रहते हैं। अरे भाई रात की 1 बजे तक खेलता है इन लोग, दिमाग खराब हो जाता है। हॉस्टल में एक और पागलपंती आपको देखने को मिलेगा कि अगर रात के 3 बजे भी उठोगे ना, रात के 3 बजे भी उठोगे तब भी कोई ना कोई आत्मा बनकर भटकते रहता है यहाँ पे, पता नहीं क्या करते रहता है, कोई बात कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई पढ़ रहा है, कोई रात को क्रिकेट खेलते रहता है इन लोग, मतलब रात के 3 बजे भी, ये सीन है यहाँ पे, बाप रे। पूरे के पूरे हॉस्टल को इन्हीं टंकीज के थ्रू, ये एक दो इधर है और बाकी छोटे वाले अति पे है, तो इन्हीं के थ्रू हम लोग को पानी मिलता है। देख सकते हैं गाइज इस तरफ से कुछ इस तरह का लुक आता है, ठीक है। और वही है, वो एक मेन रोड है जो कनेक्ट करता है वो जूनियर वाले सारे हॉस्टल को, तो वो भी पूरा इधर पे जूनियर लोग घूमते हुए दिखता है। और ये सब देख सकते हैं, ये सब हॉस्टल्स हैं अदर ब्रांचेस के। और ये मस्त सा प्लेग्राउंड दिया गया है जहाँ पे नीचे भी क्रिकेट वगैरह खेल सकते हैं हम लोग। यही था मोटा मोटी टेरेस का थोड़ा ओवरव्यू, मस्त वाइब आता है। सुबह सुबह उठ के आओगे ना और जब सूर्य निकलता है ना पूरा दिखता है, और सनसेट भी पूरी तरह से दिखता है क्योंकि सबसे ज़्यादा हाइट पे यही हॉस्टल है और पूरा एकदम महल जैसा बना है, एकदम मस्त है। हालांकि अंदर से थोड़ा सा कंडीशन खराब है, फिर भी मस्त है। गाइस ये टावर यहाँ पे टेरेस पे देख सकते हैं, टेरेस के जस्ट बगल में लगा हुआ है। गाइस ये मॉर्निंग रिहर्सल आप देख सकते हैं कितना ज्यादा वहाँ पे सब खेल रहा है, देख सकते हैं यही यहाँ पे सीजी आराम से दिखता है, मोबाइल में तो एक नंबर दिखता है, देख सकते हैं हम जूम करके दिखा रहे हैं एक नंबर। देख हमारे हॉस्टल का एक और खासियत है कि आप देख सकते हैं वहाँ पे वो जो आप ग्रीन कलर के जो डब्बा देख रहे हैं, एक्चुअली में यहाँ का बायोगैस प्लांट है, बायोगैस इन द सेंस ये गोबर गैस प्लांट है गाइस। तो चलिए इसको नजदीक से दिखाते हैं क्या क्या वो। ये रहा हमारा हॉस्टल का बैक साइड, एंड बैक साइड के पीछे हम लोग आ चुके हैं अभी गोबर गैस प्लांट के पास। यहीं पे हम लोग बेसिकली ये क्योंकि गौशाला के काफ़ी ज़्यादा नज़दीक है, तो वहाँ से गोबर जो होता है, जो वेस्ट गोबर होता है उसे लाया जाता है इसमें और अंदर डाला जाता है और उसे फिर सड़ाया जाता है, और कुछ समय के बाद यहाँ से मीथेन गैस निकलता है और उस मीथेन गैस को कलेक्ट कर लिया जाता है वहाँ पे, क्या बोलते हैं अपने मेस में, और फिर जितना भी खाना बनता है सब इसी से बनता है, आप देख सकते हैं गाइस। ओह
गाइस एक बात तो है, टेरेस की कुछ बात ही अलग होती है। जब भी आप थके हो, हारे हो, मतलब ऐसे परेशान हो, मस्त आराम से टेरेस पे आ जाओ, खुली हवा में सांस लो, एक नंबर मजा आता है। अच्छा हाँ, कॉमन रूम देखोगे ना, चलो घुमाते हैं। देखो गाइस, आप समझ में आया क्या इसको भूतिया बोलते हैं? बाप रे बाप, ऐसा डरावना लगता है ना, रात को दिमाग खराब हो जाता है। हाँ, ये सब कैसे बोल सकते हैं? देखो माइनिंग 2K20 बाबा है, रेस्पेक्ट योर सीनियर बाप, ये सब टैगलाइन तुम्हें हर जगह मिलेगा यहाँ पे हॉस्टल्स में। ओके गाइस, चलते हैं कॉमन रूम में जहाँ पे चल रहा है अभी मैच। देख सकते हैं यहाँ पे टेबल टेनिस का भी हम लोग को सुविधा उपलब्ध कराया गया है, एक नंबर। नेक्स्ट वी हैव आवर कैरम बोर्ड, हम लोग यहाँ पे कैरम भी खेल सकते हैं। ये काफी अच्छा बड़ा सा कॉमन रूम हम लोग को दिया गया है, जहाँ पे हम लोग गैदर होकर अपने पॉइंट को रख सकते हैं, या कोई मीटिंग वीटिंग करना रहता है तो इसी में करते हैं। तो गाइस, कॉमन रूम इतना बड़ा होने का एक और अच्छा बात है कि यहाँ पे आप जब गाइएगा तो आपको इतना मस्त साउंड इफेक्ट आएगा ना, जैसे कि हो सुर तेरा 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 सुर। अब इसको बाहर में करके देखते हैं, हो सुर तेरा 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 सुर। क्या एक्टिंग कर रहा है, इसी तरह का आवाज आता है बाहर में। यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया, काफी सारे मतलब ऐसे 3 तल्ला है, तो हर एक फ्लोर पे एक कॉमन रूम है, समझा? तो हम लोग दूसरे कॉमन रूम में जाते हैं। गाइस ये रहा हमारा कॉमन रूम फर्स्ट फ्लोर का। ओके ओके ओके, ये रहा गाइस हमारा क्या बोलते हैं कॉमन रूम है, और देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग को टीवी मिल जाता है, बैठने के लिए काफी ज्यादा जगह मिल जाता है। तो गाइस इस तरह के रूमों को बनाने का ये मकसद होता है कि बच्चे लोग जब भी मीटिंग वगैरह रखें तो इधर वो पीपीटी के थ्रू, या मान लो कोई क्लब ही रिप्रेजेंट कोई करने आया तो कॉमन रूम में सब लोग असेंबल होते हैं, और इन बड़े बड़े टीवीज पे वो अपना पावर पॉइंट का जो भी प्रेजेंटेशन होता है वो रिप्रेजेंट करते हैं लोगों के सामने, बच्चों के सामने, ताकि उनसे वो कनेक्ट कर पाए और मतलब जो भी समझाने आए उसको समझा पाए, या किसी क्रिकेट ही देखना हो गया तो ये काम आएगा, और क्या क्लब रूम का ये सब हम लोग प्रयोग करते हैं, और यहीं पे बैठ के सारा कुछ मजा वगैरह करते हैं। तो ये गाइस यहाँ गलियारों में डर तो लगता ही है जब रात होता है, तो और देख सकते हैं यहाँ पे पूरा जो अति फर्श है वो टाइल्स से पूरा एकदम लगा हुआ है, ऐसे खिड़कियाँ भी यहाँ पे जो भी आप देख सकते हैं सारों में क्या बोलते हैं ऐसे शीशा लगा हुआ है, और क्या बोलते हैं मच्छर का उतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता इनकी वजह से, तो रात में लोग लगा के ही सारा सोते हैं, और हर एक रूम में भी क्या बोलते हैं अच्छा अच्छा एकदम शीशा वाला एकदम विंडो लगा हुआ है। तो चलते हैं रूम आपको दिखाते हैं, रूम का टूर कराते हैं, डायरेक्ट घुस जाएंगे किसी के रूम में, चलो दिखाते हैं रूम का। चलिए ये है रूम नंबर 205, एकदम घुसते हैं। हेलो गाइस, क्या हाल चाल, कैमरा में हाय बोल दो भाई, अरे कैमरा में हाय बोल दो। हेलो, सो गाइस देख सकते हैं यही क्या बोलते हैं एक रूम होता है जो अलॉट होता है सेकंड ईयर को, जिसमें 4 लोगों की जगह दी जाती है, 1-2 और इस साइड में 3-4, तो 4 बेड हैं, और आप देख सकते हैं सभी के लिए रखने के लिए ऐसे प्रॉपर दिया जाता है, और रखने के लिए इस बार दिक्कत नहीं होता, जैसे फर्स्ट ईयर में आप लोगों को दिक्कत होता है। देख सकते हैं प्रॉपर जगह दिया हुआ है जिसमें आप रख सकते हैं सारा सामान। तो इसी तरह का रूम होता है, एक पंखा, सॉरी 2 पंखा है, सो एक रूम में 2 पंखा, लाइट की भी काफी अच्छी सुविधा है देख सकते हैं, और क्या बोलते हैं इन लोगों ने तो काफी ज्यादा खर्चा किया हुआ है भाई, देख सकते हैं आप लोग इतना ज्यादा नहीं किया है, और ये सब तो मिलेगा ही आपको। पानी थोड़ा सा अजीब लगा इसलिए सब लोग प्रेफर करता है ऐसे मंगवा लेते हैं यहाँ पे पानी। तो दिस इज एन ओवर व्यू ऑफ अ रूम इन BIT सिंदरी ऑफ सेकेंड ईयर सीनियर्स। ओके वैसे अचिंत्या, पिछली बार क्लास कब गए थे? याद भी नहीं कब गया, जय भगवान, तू कब गया था? क्लास स्टार्ट हुआ था, पता ही नहीं कब हुआ था, हमें यार जाना चाहिए था ना, हालांकि हम भी नहीं गए, क्या बताएं। प्यारा है, नींद प्यारा है, रूम प्यारा है, क्लास होते रहेगा, और बेड बहुत प्यारा है, और ठंडा में खास करके। हाँ भाई ठंडा है तो बहुत कम अटेंडेंस हो गया है। ए उठ उठ उठ, लगे वीडियो बना, वीडियो बना, वीडियो बना, साला इतना मैंने तार का चीज की है। ओके गाइस, तो यही था वीडियो, वीडियो को एंड करते हैं, समाप्त करते हैं। हॉस्टल 26 आपको पसंद आया ऐसा हम आशा करते हैं, आपका ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें ताकि हम जान सके कि आप किस तरह के वीडियोस को एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और हाँ नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ पे बने ये भी आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं, समाप्त करते हैं, मिलते किसी एक नए वीडियो में किसी एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। गाइस देख सकते हो रात को भी ऐसे ही खेलते रहते हैं, अभी रात के लगभग 3 बज रहे हैं, आप देख सकते हैं 3 बजे ये सब कर रहा है इन लोग। वेलकम गाइस, गुप्ता जी की बकेती में आपका स्वागत है, आप बिल्कुल लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल फाड़ के देखें, एकदम दिल खोल के देखें, रिपोर्ट मार दीजिए दोस्तों, नहीं नहीं रिपोर्ट नहीं मार दीजिए चैनल, नहीं नहीं रिपोर्ट